सो टूडे आई एल बी शेयरिंग फाइव प्रोडक्ट विच आई रिग्रेट बाइंग सो फर्स्ट वन इज ये मोम्स को का आई क्रीम है इसका एप्लीकेटर किसी यूज का नहीं है बस इसको पम्प करके आप क्रीम बाहर निकाल सकते हैं लेकिन आपको ब्लेंड आपके फिंगर्स से ही करना पड़ेगा सो दिस इज़ ऑफ नो यूज एंड सेकेंडली इसे मैं यूज़ कर रही हूँ इससे कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आता सेकेंड इज द मेबली न्यूयॉर्क एज वाइन कंसीलर इसका अभी एप्लीकेटर में प्रॉब्लम है इसे रोल करने में ही आपका आधा टाइम चला जाता है एंड सेकेंडली इसके आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आगे वाले एप्लीकेटर में जमा हो जाते हैं जिसे हम यूज़ नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली हमें फेंकना पड़ता है सो द थर्ड प्रोडक्ट इज लॉरियल पैरस टू मैच फाउंडेशन ये फाउंडेशन इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा जस्ट बिकॉज इसका जो पैकेजिंग था वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट होता है पंप वाला फाउंडेशन यूज़ करा करिए द फोर्थ प्रोडक्ट इज टी जी बेड हेड का हेयर स्टिक दिस इज़ ऑफ लेवन हंड्रेड इट्स फुली वेस्ट ऑफ मनी ये सिर्फ और सिर्फ स्लीक हेयर बन या फिर स्लीक हेयर पोनी टेल के लिए यूज़ होगा बाकी ये बहुत स्टिकी है एंड इसे बंद करने में आपका हाथ भी स्टिकी हो जाता है एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ प्रोडक्ट इज फॉर एवर फिफ्टी टू का मैग्निफिकेंट आई शेडो पैलेट इस पैलेट में सिर्फ एक से दो शेड हैं विच इज़ पिगमेंटेड बाकी ये शेड आप अगर अप्लाई करेंगे तो फिर उतना पिगमेंट शो नहीं करता ये मुझे खरीद के तीन साल हो गए बट मैंने इसका ग्रीनी कलर यूज़ किया